हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक इन दी टैरो। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सबसे पहले वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को और हिस्सा बन जाओ हमारे मिस्टिक इन दी टैरो फैमिली का। इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड सुबह का एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था, अगर आपने किसी वजह से नहीं देखा है उसकी लिंक भी दे दूँगी, ज़रूर जाके इसके बाद वो वीडियो देखिएगा। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर अभी दिख रही होगी, क्लियरली आपको दिख रहा होगा। आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है अपना पाइल। और आज का वीडियो इस टॉपिक पे है कि क्या आपके पर्सन कैसे हैं, वो आपके बिना कैसे हैं, उनका हाल क्या है आपके बिना। और स्पेशली जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बिल्कुल आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, उन लोगों की हम रीडिंग कर रहे हैं कि उनका हाल कैसा है, वो कैसे है आपके बिना, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। रीडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूँ, जनरल रीडिंग होती है। जो भी यूट्यूब पर जितने भी टैरो रीडर्स जो वीडियो डालते हैं वो जनरल रीडिंग होती है, ठीक है, टाइमलेस है। जब कभी भी देखना चाहो उस वक्त के सिचुएशन से ये मैच करेगी। एंड अपना ब्रॉड माइंड रखिए रीडिंग के वक्त, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हर चीज़ आपसे मैच नहीं करेगी। सो लेट स्टार्ट पाइल नंबर 1। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुना था, देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन कैसे है, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में। सो शुरुआत तो मैं टैरो कार्ड से ही कर रही हूँ। लेट स्टार्ट। फोकस अपना पूरा अपने पर्सन पे रखिए, उनके बारे में सोचिए, उन पे फोकस रखिए, प्यार से सोचिए, गुस्से में नहीं सोचना। आपको कोई गलत एनर्जी हमें कैच नहीं करनी है। सो या नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में, क्या कुछ फील कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। 6 कार्ड्स निकालूंगी मैं, ओके। फर्स्ट कार्ड वुड बी दिस, जो कि है किंग ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे है 7 ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स, स्वर्ड्स के ही कार्ड है तो हो सकता है आप सिग्निफिकेंटली किसी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस से डील कर रहे हो। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है एंड यहाँ पे टावर है, ओके, स्कॉर्पियो। तो साइंस फिर से एक बार बता देती हूँ, यहाँ पे है जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैगिटेरियस और स्कॉर्पियो है और बॉटम में 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ओके। तो सबसे ज़्यादा एयर साइन यहाँ पे डोमिनेट कर रही है रीडिंग को। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, आपके जो भी पार्टनर है ना, मुझे इस वक्त कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच जो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो आई है वो अचानक से ही आई है, ओके। बहुत सडनली चीज़ें ख़राब होने लगी, सडनली उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपको अचानक से घोस्ट कर दिया हो और अचानक से बात करना आपसे बंद कर दिया हो इस पर्सन ने। एंड मुझे ज़्यादातर तो रीज़न यहाँ पे जो, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ट्रस्ट इशूज़, या तो उन्होंने कोई ऐसी चीज़ कर दी जिसके वजह से आपके बीच टावर मोमेंट आ गया, या तो आपने कोई ऐसी चीज़ कर दी जिसके वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में ट्रस्ट इशूज़ पैदा होना शुरू हो गए और फिर टावर मोमेंट आ गया, ठीक है। तो ये मुझे एक फर्स्ट सिनेरियो, कुछ बहुत सारे लोगों का ऐसा ही हो सकता है। दूसरा मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुई है आप दोनों के बीच में, ओके, या तो उनके साइड से या तो आपके साइड से। और इस थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के चलते सिचुएशंस काफ़ी ख़राब हुई है आप दोनों के बीच में, ऑब्स्टेकल्स आना शुरू हो गए। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है आप दोनों के बीच में, ओके। तो एक बहुत अच्छा समय चला और फिर सब कुछ ख़राब हो गया, एक ग्राफ नीचे चलता चला गया, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड मुझे लगता है आप जिनसे भी डील कर रहे हो, आप दोनों का जो ये रिश्ता है, इट्स नॉट समथिंग ईजी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मुझे आप दोनों का रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इतना आसान ये रिश्ता नहीं है, बहुत सारे कठिनाइयों से भरा हुआ ये रिलेशनशिप है। तो इतना आसान रिलेशनशिप नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, बहुत एक स्पेशल रिलेशनशिप आप इसको कह सकते हो। दूसरा मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पर्सन मुझे काफ़ी डोमिनेटिंग लगते हैं, या तो उन्होंने आपको काफ़ी डोमिनेट करना चाहा है जब वो आपके रिलेशनशिप में थे आपके साथ,
तो उन्होंने आपको काफ़ी डोमिनेट करना चाहा, आप पे काफ़ी अक्यूजेशंस लगाए हैं एंड आप पे कभी भी ट्रस्ट नहीं किया इस पर्सन ने, ठीक है। और अभी भी मुझे कुछ खासा बदलाव इनके फीलिंग्स में नज़र नहीं आ रहे हैं, अभी भी वो सेम एनर्जी में है जहाँ पे उन्हें लगता है कि वो ही सही है, वो जो बोलते हैं वो जो करते हैं वही सही है काफ़ी लोगों के लिए, ओके। तो एक फिक्स्ड माइंडसेट हो सकता है इस पर्सन का, और डोमिनेटिंग, जैसे मैंने बोला कि तुम यही करो, इससे ही बात करो, वो मत करो, ये काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में रहा है एंड इसके चलते भी किसी किसी में बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं, आप दोनों का रिश्ता फिर नो कॉन्टैक्ट में चला गया। मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन ने खुद कोई गलतियाँ करी है, ठीक है, और उसका जो इल्ज़ाम है अपना गिल्ट छुपाने के लिए या अपनी गलती से भागने के लिए, इस पर्सन ने में भी उन गलतियों का बोझ आपके सर पे डाल दिया, ठीक है, आपको विक्टिम बना दिया, ठीक है, और आपको अक्यूज्ड कर दिया इस पर्सन ने किसी सिचुएशन में जबकि गलतियाँ इनकी थी, ओके। एंड कुछ कोई तो डेफिनेटली यहाँ पे जगल कर रहा है, आप और कोई और, या फिर हो सकता है आपके लाइफ में कोई और पहले से था और फिर ये पर्सन आपके लाइफ में आए, तो जगलिंग यहाँ पे शुरू है, ओके। एंड कोई गिल्ट या पछतावा मुझे नहीं नज़र आ रहा है इस पर्सन के मन में, अगर स्पेसिफिकली इस पर्सन ने आपको चीट किया है या आपके ऊपर एक्यूजेशंस डाले हैं खुद गलत करके, तो मुझे कोई बदलाव इस पर्सन के नेचर में नहीं दिखाई दे रहा है, अभी भी वो सेम स्टेट ऑफ माइंड में है, अभी भी वो जगल कर रहे हैं, ओके। एंड ये पर्सन एक एक ऐसे जगह पे खड़े हैं जहाँ से एक तरफ देखोगे तो आप हो, एक तरफ देखोगे तो कोई और है, ओके। तो ये मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देख पा रही हूँ, थोड़ा क्लैरिफाई भी कर लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रह जाए। ये बहुत सिग्निफिकेंट रिलेशन या लाइक ये जो रीडिंग निकली है ना फर्स्ट पाइल की, बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक है, बहुत कम लोगों से मे बी ये रेजोनेट हो सकती है, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे, एक मिनट, कार्ड गिर गया नीचे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, हाई प्रीस्टेस, यस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको भी चाहते हैं, अगर स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना आप दोनों के केस में, तो इनको बहुत जल्दी अट्रैक्शन हो जाता है, बहुत जल्दी ये प्यार में पड़ जाते हैं, बहुत जल्दी इनको किसी के लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन भी अगर थर्ड पार्टी में गए तो आउट ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के चलते, क्योंकि सामने वाला पर्सन गुड लुकिंग है या एक अट्रैक्शन उनके लिए जनरेट हो गया, इसलिए वो उसके पास गए। एंड मुझे लगता है ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो ये काफ़ी इंट्यूटिव भी है, काफ़ी इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत क्लियर माइंडसेट वाले भी हो सकते हैं, ओके। बट इनके जितने भी रिश्ते बने हैं आप या आपसे पहले, बेसिक जो रही चीज़ें रही है रिलेशनशिप बनाने के लिए, जो इनका क्राइटेरिया एक रहा है ना, वो है लुक्स, कितना ब्यूटीफुल सामने वाला पर्सन है, ओके। यहाँ पर सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। येस, सी, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाई द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली मुझे लगता है कि या तो आप दोनों को ही ट्रस्ट इशूज़ है, एक दूसरे से मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, आपको लगता है कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए जबकि वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, या तो हो सकता है कि उनको लगता है आप कुछ ऐसा करते हो जबकि आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अब आप दोनों ने कुछ ऐसे सिचुएशंस खड़े कर दिए हैं या कुछ पास्ट में ऐसी गलतियाँ कर दी है जिसकी वजह से आप दोनों ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, ओके। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो थोड़े से स्नीकी है, झूठ बोलना, चीज़ें छुपाना, अट्रैक्शन में पड़ के आपके साथ धोखाधड़ी करना, ये डेफिनेटली इस पर्सन ने किया है। और मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी गलतियों का क्लैरिफिकेशन देने के बजाय आप पे काफ़ी चीज़ें डाली है, ओके। अभी भी ये पर्सन मुझे नहीं लगता कि सुधरे है। यहाँ पे फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ यू डेफिनेटली ये पर्सन या तो ऐसा मानते हैं, देखिए दो तरह के लोग हैं यहाँ पे, या तो उनको लगता है कि आप कुछ ऐसा करते हो, चीट करते हो,
तो वो एक ग्रुप है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपको लगता है कि वो पर्सन कुछ ऐसा करते हैं। तो अगर आप हो, अगर आपके ऊपर उनको डाउट है ना, तो मुझे लगता है कि अभी भी उन्हें वो डाउट है, अभी भी उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, आप उन्हें चीट करते हो, झूठ बोलते हो, आप कुछ ऐसा करते हो जो उन्हें नहीं करना चाहिए आपको। अगर ऐसा आपके पर्सन करते हैं और आपको लगता है या आपको गारंटी है ये पर्सन ऐसा करते हैं और उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो मुझे अभी भी ये पर्सन उस थर्ड पार्टी में डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स क्लियर करें प्लीज़। सी, ब्यूटी के चलते, लुक्स के चलते, पैसा देखकर, औहदा देखकर रिलेशनशिप बनाया गया है आपके साथ भी। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं आपके रिलेशनशिप पे टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, डेफिनेटली प्यार है इस पर्सन के मन में, लेकिन रिश्ता बनाने का इनका जो क्राइटेरिया है ना वो गलत है, वो दिखावे पे बेस्ड है। कैसी दिख रही है, कैसा दिख रहा है, कितना पैसा है, क्या करता है, तो मुझे लगता है कि जो थर्ड पार्टी भी है इनकी लाइफ में या आपको अगर जगल भी कर रहे हैं, या अगर इनको आप पे शक है तो इनको लगता है कि आप इतने ब्यूटीफुल हो कि आप डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ना कोई होगा। अगर आपको शक लगता है इनके ऊपर या आपको पता है इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो वो थर्ड पार्टी के सिर्फ लुक्स देख कर, पैसा देख कर वो रिश्ता बनाया गया है, तो ऐसे रिश्ते तो लॉन्ग टर्म नहीं टिकते हैं। यहाँ पे नाइन ऑफ वंड्स की एनर्जी एग्जैक्टली यहाँ पे क्यों आई है, चैरियट। ओके, देखिए मुझे लगता है आप दोनों के बीच में जो ये ऑब्स्टैकल्स हैं, जो भी ये रुकावटें हैं ना, उसमें मूवमेंट आएगा, वो रुकावटें आप दोनों के रिलेशनशिप से दूर हो जाएंगी। ओके, आपको बेसिकली कोई नेगेटिविटी नहीं देनी अपने पर्सन को, कोई गिले शिकवे नहीं रखने हैं। मुझे लगता है ये पर्सन जो भी कर रहे हैं वो काफ़ी टेम्पररी है, उनको डेफिनेटली उनकी आंखें खुलेगी। ओके, और सिचुएशंस आप दोनों के बीच की बेहतर होती जाएगी, बस आपको विश्वास रखना है, गिव अप नहीं करना आपको। देखिए आपकी सिचुएशन क्या है आप बेटर जानते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो ये चांस नहीं दे सकती या मैं ये सब नहीं झेल सकता या सकती, आपके ऊपर है, आपकी फ्री विल है। लेकिन जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि नाइन ऑफ वॉन्ड्स को चैरियट क्लैरिफाई कर रहा है, मूवमेंट तो आने वाली है, जो सिचुएशंस है, जो परेशानियाँ हैं, दूर होने वाली है। हो, किसी किसी के लिए हो सकता है 7 हफ्ते या 9 हफ्ते भी लग जाए ये सारी सिचुएशन ठीक होने में। टावर का कार्ड यहाँ पे क्यों है, झूठ, मून एनर्जी है पाइसिस, झूठ के चलते, ट्रांसपेरेंसी कम होने के चलते आप दोनों में प्रॉब्लम्स आई है। ओके, या तो उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, या तो उनको लगता है कि आप कुछ छुपाते हो, या तो आपने कुछ छुपाया है, या तो आपको लगता है कि ये पर्सन कुछ छुपाते हैं। कुछ रियलिटीज़ सामने आई है और बहुत गलत तरीके से सामने आई है, जिसने ये टावर मोमेंट क्रिएट करा है। ओके, ये टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सी, ये पर्सन को पता है कि आप ही ऐसे पर्सन हो उनकी लाइफ में जो उन्हें फैमिली दे सकती है, एक रिश्ता 100% प्यार दे सकती है, कमिटमेंट दे सकती है। और ये पर्सन अगर इन केस, यहाँ पे भी दो तरीके के लोग हैं, अगर ये पर्सन और आप मैरिड हो, आप दोनों की एक दूसरे के साथ शादी हुई है और ये सिनेरियो चल रहा है आप दोनों के केस में, तो मुझे लगता है ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी के पास गए हैं आपको छोड़ के, तो वो थर्ड पार्टी के पास नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि उनको फैमिली आप ही दे सकते हो, उनको प्यार आप ही दे सकते हो, अनकंडीशनल प्यार, ठीक है, और वो आपके पास लौटेंगे। अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके पास आएंगे और आपको कमिटमेंट भी आने वाले टाइम में दे सकते हैं। मिनिमम 7 वीक्स, मैक्सिमम 10 वीक्स लग सकते हैं। ओके, अक्टूबर मंथ भी काफ़ी लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। सो अभी मैं आप लोग के लिए एडवाइस देखते हैं, पाइन नंबर 1 के लिए एडवाइस क्या रहेगा। ओके, सी, देखिए एडवाइस को आपको एकदम ओपन माइंड से एक्सेप्ट करना है, एम्ब्रेस करना है, कोई सवाल नहीं करनी उसके ऊपर, एक ही एडवाइस चाहिए मुझे एंजल गाइडेंस से, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। मे बी, देखिए कई बार ऐसे होता है कि कई रिश्तों में हम लोग गलत रिश्तों में हम आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे होते, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो या तो आपको एंजल्स बोल रही है कि अगर आपको पता है कि ये रिश्ता आपको एक पीस ऑफ माइंड नहीं दे रहा है, वो प्यार नहीं दे रहा है, तो आप अपना डायरेक्शन बदल लो, कोई नया डायरेक्शन चूज़ करो, नए पर्सन को मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में। एंड बॉटम डेक में वेट है, तो अगर आप वेट करना चाहते हो सिचुएशन के बदलने की, तो डेफिनेटली वेट कर सकते हो, या आपकी फ्री विल है। ओके, तो बस यही थी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये डेक चूज़ किया था।
एंड अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है कमेंट्स में बताना, लाइक करना वीडियो को. मिलते हैं अगली वीडियो में. हेलो पाइल नंबर टू, जिन्होंने सेकंड पाइल यानी कि ये डेक चूज़ किया था, चलिए देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है. पूरा फोकस अपने पर्सन पर रखिए एंड या लेट्स सी. लास्ट में एडवाइस भी देखेंगे, सो पूरा वीडियो विदाउट स्किप करे देखिएगा. पाइल नंबर टू के पार्टनर की फीलिंग्स नो कॉन्टैक्ट में क्या है. यहाँ पे हर्मिट है वर्गो, कि यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्स एरीज लियो सैगिटेरियस. यहाँ पे टेन ऑफ वॉन्स की एनर्जी है एरीज लियो सैगिटेरियस. फिर से यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स है टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉन. एस ऑफ वॉन्स है एरीज लियो सैगिटेरियस. एंड यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स है जेमिनाई लिब्रा और एक्वेरियस. एंड बॉटम डेक में चैरियट की एनर्जी है यानी कि कैंसर. ओके, देखिए पाइल नंबर टू, मुझे लगता है कि आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप पे हो, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने अंदर ही झांक रहे हैं, कुछ सवालों के जवाब अपने आप से ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं, अपने विजडम को फॉलो कर रहे हैं, या तो किसी की गाइडेंस ले रहे हैं ये पर्सन और इनको सही गाइडेंस मिल रही है, या तो एक डिवाइन यूनिवर्सल गाइडेंस इनको मिल रही है, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ. लेकिन ये पर्सन सही रास्ते पे है, आप दोनों के रिश्ते के मामले में सही सोच रहे हैं, सही गाइडेंस मिल रही है और सही रास्ते पे है. ओके, हो सकता है ये आपसे बात ना कर रहे हो लेकिन आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रही है पर्सन. एंड डेफिनेटली अवेयरनेस मुझे काफ़ी दिख रही है आपको लेकर. ओके, मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन अब रेडी है एक्शन लेने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए, एक नई बिगनिंग करने के लिए. पीछे सिचुएशंस जो भी आप दोनों में हुई थी उनको पीछे छोड़कर ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते और इस रिलेशनशिप में एक न्यूनेस लाना चाहते, एक न्यू एनर्जी लेके इस रिलेशनशिप में अब आगे बढ़ना चाहते हैं. कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं, पास्ट के एनर्जीज को पूरी तरह से क्लियर आउट कर देना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में. एंड काफ़ी मुझे असर्टिव एनर्जी में दिख रहे हैं. ओके, अभी तक इस पर्सन ने सिर्फ देखा, नोटिस किया, आपसे दूर रहे, आपसे बात नहीं की और उसका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आया. काफ़ी इस पर्सन ने आपको वेट करवाया, काफ़ी आपका पेशेंस टेस्ट किया है, कोई एक्शन नहीं लिया, काफ़ी लंबे समय तक आपको वेट करवाया. बट अभी एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, फिर पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं. मैंने जैसे बोला, इनको एक अच्छी गाइडेंस मिल रही है, चाहे फिर वो इनके विजडम के थ्रू हो, डिवाइन गाइडेंस हो या बाहरी गाइडेंस हो, सही रास्ता, सही माइंडसेट है अभी इस पर्सन का. मुझे ये भी लगता है ये पर्सन आपका अटेंशन पाना चाहते हैं. हो सकता है ये पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे ये आपका अटेंशन पाने की कोशिश करे. पिछले सितंबर मंथ भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा होगा आपके लिए. मे बी इन्होंने कुछ ऐसा किया हो जिसके थ्रू आपको ये एहसास हो गया हो कि हाँ भाई, ये पर्सन मुझ में इंटरेस्टेड है. ओके, एंड मुझे लगता है इस पर्सन ने अटेंशन पाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद की है और वेट भी किया है आपका पेशेंटली. एंड तब जाके ये पर्सन अब आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग चाहते हैं. मुझे ये भी लगता है इस पर्सन ने इस रिश्ते से भागने की कोशिश की, अपने फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश की, अपने फीलिंग्स से भागने की कोशिश करी है. लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उनके कंधों का, उनके सर का बोझ बढ़ता ही गया और उन्हें एक चीज़ का एहसास हो गया है क्लियरली कि वो ना तो आपसे भाग सकते हैं, ना तो इस रिश्ते से भाग सकते हैं. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्हें चीज़ें इतनी इंटेंसली रियलाइज़ होने लगी कि उनको ही पछतावा होने लगा, उन्हें ही अपने गलतियों का बोझ अब ढहना पड़ रहा है. जो गलतियां उन्होंने करी है इस रिलेशनशिप में, उसी गलती का बोझ ये ढह रहे हैं अपने पीठ पे. एंड जैसे तैसे आगे बढ़ रहे हैं, एक एक दिन काट रहे हैं. तो आपके बिना इनकी लाइफ ऐसी है कि बस दिन कट रहे हैं, ज़िंदगी में ज़िंदगी नहीं रही है इस पर्सन के. ओके, इनके ऊपर हो सकता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो हाल फिलहाल में, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सारी चीज़ों का एक बोझ जैसे इनके सिर पे आ गया है. यहाँ पे आप हो जिनसे वो बात नहीं कर रहे हैं और वहाँ पे आप उनकी फैमिली या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मुझे ये भी लगता है कि एक वक्त ऐसा था जब इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप दोनों का रिलेशनशिप अब ख़त्म है, इसमें कोई स्कोप नहीं है, ना तो आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ना तो इसमें कुछ भी अब बाकी रहा है. लेकिन अब मुझे लगता है इस पर्सन को इस रिश्ते में स्कोप दिखाई दे रहा है. वो अब ऐसा सोच रहे हैं कि भले मुझे इस रिश्ते से कुछ मिले ना मिले, भले ही मुझे कुछ ये पर्सन दे पाए या ना दे पाए, मैं अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ. अपना जितना हिस्सा मैं करना चाहता था इस रिलेशनशिप में, जो देना चाहता था वो मैं देना चाहता हूँ. यह मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है.
एंड ऑल्सो मुझे लगता है ये पर्सन अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अगर इनकी फैमिली आपके अगेंस्ट थी या अगर इनकी मदर स्पेसिफिकली आपके अगेंस्ट थी, तो वो उनके फैमिली के अगेंस्ट भी जाना चाहते हैं आपके लिए, एंड दे वॉन्ट टू टेक स्टैंड फॉर यू. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो रिश्ता आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, रुकावटें नहीं चाहते वो रिलेशनशिप में, वो चाहते हैं कि रिश्ता बिना किसी रुकावट तेज़ी पकड़े और आगे बढ़े. ओके, एंड मुझे ये पर्सन या तो लगता है कि इनको लग रहा है कि आप गुस्से में हो, आप उनसे बात नहीं करना चाहते, या फिर ये पर्सन किसी बात में क्लैरिटी लाना चाहते हैं, कोई बात है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी या उनकी हो सकती है जिसको ये क्लियर करना चाहते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं और क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा सा. हर्मिट का कार्ड यहाँ पे पाइल नंबर 2 के लिए क्यों आया है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. डेफिनेटली मुझे लगता है एक वक्त ऐसा था जब काफ़ी लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, ड्रामा हुआ करता था आप दोनों के बीच में, और काफ़ी इनडिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए करते थे. इस वजह से इस पर्सन ने सोचा कि बात ना करना या दूरी बना लेना ही बेहतर होगा. एंड अब मुझे लगता है ये पर्सन, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपसे बात करते हैं तो वापस ये ड्रामा या वापस ये बात आप उभर के आ सकती है और आप दोनों में झगड़े हो सकते हैं, तो उसी से वो भागने की, छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, लेकिन अगर उन्होंने अपने तरफ से कोई लड़ाई झगड़े करी है, आपसे कुछ बोला, बुरा भला बोला है आपको, तो वो उस पर सोच विचार कर रहे हैं, उनको गिल्टी भी लग रहा है. किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी क्यों है? फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. देखिए, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत इनसिक्योर है, आपको खोना नहीं चाहते किसी भी हाल में, आपको किसी के पास देखना नहीं चाहते हैं. उन्हें लगता है उन्होंने आपको, जैसे प्रॉपर्टी कमाते हैं ना हम अपनी लाइफ में, वैसे इन्होंने आपको कमाया है, अभी आपको गंवाना नहीं चाहते. बहुत प्रैक्टिकली और रैशनली भी ये पर्सन सोच रहा है. एंड मुझे लगता है पहले से ये पर्सन आपके लिए बहुत ऑब्सेसिव थे, बहुत पजेसिव थे, और अभी भी ये पर्सन आपको अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं, किसी के भी साथ आपको देखना नहीं चाहते. तो टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें. यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. यस, मुझे लगता है इस पर्सन ने आपसे अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए या आपको भूलने के लिए अपना काम, ये एक ज़रिया अपनाया, अपने काम पर फोकस किया. ओके, बाकी प्रैक्टिकल चीज़ों एस्पेक्ट पे अपने लाइफ के फोकस करें. और मुझे लगता है कि उनसे वो नहीं हो पाया क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं ना मुझे लगता है उन्होंने हद से ज़्यादा काम अपने ऊपर ले लिया और उसका बोझ अब वो ढह रहे हैं. क्यों किया उन्होंने? क्योंकि आपको भूलना चाह रहे थे, बट वो उल्टा ही पड़ गया है. मुझे लगता है पासा उनका. सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं आप आप अपनी लाइफ में काफ़ी सेटल हो, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आप इस रिश्ते में अब उनके साथ नहीं रहना चाह रहे हो. ऐसी उनकी गलतफहमी हो सकती है क्योंकि मुझे नहीं लगता, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो डेफिनेटली आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, बट ये पर्सन को लगता है चाहे आप अब उनके लिए एफ़र्ट्स डालो ना डालो, वो लिटरली आपके लिए एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि उनको पता है आप अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गए हो, आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अब उनके नीडी नहीं हो, आप उनके आदि नहीं हो, तो अब वो अपने तरफ से एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं. ये सब पॉइंट्स यहाँ पे जजमेंट है. ओके, लीब्रा. मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन भगवान से प्रे कर रहे हैं कि उन्हें एक मौका दे कि ताकि वो आपके लाइफ में आए. और मुझे लगता है आपसे भी एक मौका मांग सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं, अपने प्रायश्चित कर सकते हैं, गलतियों के लिए सॉरी बोल सकते हैं, और आपसे लिटरली भीख मांग सकते हैं कि आप उन्हें एक मौका दें. ठीक है, क्योंकि अभी आपके से दूर नहीं रहना चाहते, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं. प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे. नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. देखिए, मुझे लगता है कि इस पर्सन को अभी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में दिख रहे हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह देख रहे हैं. उनको लगता है कि अब आप अपने लिए स्टैंड लोगे, अब बिल्कुल आप झुकने वालों में से नहीं हो, आप किसी के लिए नहीं झुकोगे, किसी के लिए नहीं रुकोगे, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे, आप अपने लिए फ़ाइट करोगे, और वो हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार है. ओके, उनको पहले से ये चीज़ तो पता थी कि आप उनके लायक हो, आप उनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, लेकिन मुझे लगता है या तो उनके मदर फादर उनको अलाउ नहीं कर रहे थे, फैमिली इश्यूज़ आ रही थी, या उनको लग रहा था पहले कि आ सकती है, तो वो उन सब चीज़ों के परे जा चुके हैं. चैरियट की एनर्जी क्यों है? यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. अब आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं ये पर्सन, स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं आपके साथ, कोई टाइम पास नहीं, कोई मजाक नहीं,
सीरियसली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। मुझे लगता है काफ़ी टाइम से ये पर्सन स्लो मूविंग एनर्जी में थे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है। स्लो मूविंग एनर्जी में थे बट अब फास्टली फटाक से इंटेंसिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए आपके लिए एक एंजल गाइडेंस देखते हैं, एक एडवाइस देखते हैं आपके लिए। एक ही कार्ड निकालूंगी मैं। ओके, तो आपके लिए है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है, अगर आप कुछ जानना समझना चाह रहे हो इस कनेक्शन के बारे में, इस पर्सन के बारे में, तो और इन्फॉर्मेशन निकालिए। एंड बॉटम डेक में यू आर रेडी, तो आप इस रिलेशनशिप के लिए अब रेडी हो। आपके चक्रास बैलेंस्ड हो गए हैं, एंजल्स आपको ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि अब आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हो। सो दैट वॉज इट फॉर पाइल नंबर टू, जिन्होंने सेकेंड नंबर का डेक चूज़ किया था। अगर रीडिंग पसंद आई है कमेंट्स में ज़रूर बताना, लाइक चिपका देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।